मैं तुम लोग को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में एक 10 मार्क का क्वेश्चन 110% आने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि हाउ टू कन्वर्ट RL/RE टू DFA मिनिमाइजेशन यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड इंपॉर्टेंट स्टेट मेथड एज वेल। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड आता है, बट इस लेक्चर के अंदर हम इंपॉर्टेंट स्टेट मेथड भी समझने वाले हैं इन केस अगर आया तो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है ये मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का फ्लो समझेंगे, जिस फ्लो को फॉलो करके हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उस फ्लो को समझा जाएगा। सबसे पहले होता है रेगुलर लैंग्वेज, उसके बाद इस रेगुलर लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है इंटू रेगुलर एक्सप्रेशन, इस रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर किया जाता है इंटू नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दैट इज NFA। व्हेन इट कम्स टू NFA, दो टाइप के NFA होते हैं, मतलब लाइक देर आर टू थिंग्स हियर। एक होता है NFA विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन और एक होता है NFA विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन। व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस लाइक दिस, तो ऐसे केसेस में वी यूज NFA विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन। उसके बाद अब यहाँ पे NFA आ गया, अब इस NFA को हम कन्वर्ट करते हैं इंटू डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दैट इज DFA, और इस DFA को मिनिमाइज किया जाता है तो वो बन जाता है मिनिमाइज्ड DFA। ठीक है, तो बेसिकली हमारा फ्लो रहेगा। अब क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करना चालू कर देते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है? सिंपली लाइक सिंपल है, डिजाइन मिनिमाइज DFA, मतलब हमें एक मिनिमाइज DFA डिजाइन करना है, मतलब हमें यहाँ पे पहुंचना है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है? प्लेन क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका मतलब डायरेक्टली हमें RL से ही शुरू करना है। कभी कभी क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मतलब तुम्हें डायरेक्टली लाइक क्वेश्चन के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन दिया जाता है तो फिर तुम रेगुलर एक्सप्रेशन से शुरू कर सकते हो, बट यहाँ पे वैसे नहीं दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है इसलिए RL से शुरू करना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम RL में कन्वर्ट करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय RL? RL मतलब लाइक एकदम गरीब जनता लॉजिक, मतलब आसान भाषा में अगर तुम्हें बताओ तो एक इंसान को समझने वाली भाषा में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट किया जाएगा। तो बेसिकली एक्सेप्ट स्ट्रिंग वेन इट एंड्स विथ BCC ओवर समेशन ऑफ B, C। अब इस रेगुलर लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जाएगा। क्या करना है हमें? हमें एक स्ट्रिंग तब एक्सेप्ट करना है जब वो स्ट्रिंग BCC से एंड करता हो, मतलब हमारा स्ट्रिंग BCC से एंड करता है ये हमें पता है। हमें ये पता है कि हमारा स्ट्रिंग BCC से एंड करता है, बट हमें ये नहीं पता कि हमारा स्ट्रिंग स्टार्ट किससे करता है। ठीक है, ना क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट वो जो कुछ भी है वो इसके दायरे के अंदर होगा क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया है। अब वो जो कुछ भी है वो क्या है? वो कुछ भी B/C क्लोजर होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने रेगुलर लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है। अगर तुम्हें नहीं पता कि ये कहाँ से आया कैसे आया, प्लीज वॉच माई लेक्चर ऑन हाउ टू कन्वर्ट रेगुलर लैंग्वेज टू रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, 2-3 लेक्चर पीछे होगा अगर तुम प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन को हमें NFA विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन पे कन्वर्ट करना है, जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला। अब ऐसा कैसे करते हैं? सबसे पहले इसका NFA बनाएंगे, तो या तो B या तो C है, राइट? तो इसीलिए या तो सी, बड़े बड़े गोले बनाना, राइट? एप्सिलन 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 एंड एप्सिलन, राइट? अब या तो भी या तो सी, इसका हमने NFA बनाया बट इसका क्लोजर चाहिए, राइट? तो इसीलिए एप्सिलन एप्सिलन और एप्सिलन एंड एप्सिलॉन, इसका क्लोजर आ गया, ये स्टार्ट स्टेट है हमारा। ओके, आगे क्या है? आगे है BCCC, सॉरी BCC, ये B, ये C एंड ये C, ये C, यस यस BCC। अब ये जितने भी स्टेट्स हैं सब स्टेट्स को नंबर किया जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
नऊ आणि दहा, ठीक आहे. आता काय करायचं आहे, आता आपल्याला टेबल भरायचा आहे. हमें टेबल भरना पड़ेगा. हमने क्या किया अभी तक, आर एल टू आर ई किया, आर ई टू एन एफ ए विथ एप्सिलॉन ट्रांजिशन, मतलब एन एफ ए किया. अब एन एफ ए टू डी एफ ए करना पड़ेगा, राइट. अब एन एफ ए टू डी एफ ए कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले इस टेबल को भरना पड़ेगा. अब कैसे भरेंगे, देखो ये जो टेबल है कहाँ से आया कैसे आया ये सबसे पहले मैं तुम लोग को बता देता हूँ, ठीक है. सी स्टेट्स लाइक एक्स, ये तो ठीक है. वाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं तुम लोग को बता दूं कि स्टेट्स का मतलब क्या होता है. ये जितने भी लोग हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे के सारे हमारे स्टेट्स हैं, ठीक है. ये क्या है, इसका मतलब इन स्टेट्स से, या यहाँ पे जो भी स्टेट्स हो गए, उन स्टेट्स से एप्सिलॉन को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं, जहाँ पे भी जा सकते हैं वो स्टेट्स यहाँ पे आएंगे. इसका मतलब क्या है, वाई कॉमा बी, मतलब यहाँ पे जो भी स्टेट्स होंगे उन स्टेट्स से बी को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं. इसका मतलब यहाँ पे जो भी स्टेट्स होंगे उन स्टेट से सी को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं. और यहाँ पे सिर्फ वाई कॉमा बी और वाई कॉमा सी ही क्यों है, क्योंकि इनपुट बी और सी है. अगर इनपुट बी सी डी होता था तो यहाँ पे अगेन और एक कॉलम होता था, एंड दैट कॉलम वुड बी नेम्ड एज वाई कॉमा डी, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले स्टेट्स जीरो से हम शुरू करेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे जीरो. जीरो से एप्सिलॉन को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं, देखो जीरो से एप्सिलॉन को पकड़ के हम वन पे जा सकते हैं. पहले सबसे पहले जीरो खुद भी आता है, पहले सबसे पहले तो जीरो खुद आता है, मतलब उसके बाद जीरो से एप्सिलॉन को पकड़ के हम वन पे जा सकते हैं, इसलिए वन. उसके बाद जीरो से एप्सिलॉन को पकड़ के हम वन पे जा सकते हैं, वन से टू पे जा सकते हैं एप्सिलॉन को पकड़ के, इसलिए टू. उसके बाद वन से एप्सिलॉन को पकड़ के थ्री पे जा सकते हैं, इसलिए थ्री. और इसके बाद जीरो से एप्सिलॉन को पकड़ के हम सेवन पे जा सकते हैं. और कहीं पे जा सकते हैं क्या, नहीं. अब तुम लोग कहोगे यार सेवन से सिक्स पे भी तो जा सकते हैं, एंड आंसर इज नो बेबी, बिकॉज यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन का एरो है वो ऐसे, वी नीड टू रिस्पेक्ट द डिसिप्लिन ऑफ एरो, एरो डिसिप्लिन ब्रो, राइट. तो बस इतना ही है, 0, 1, 2, 3, 7, दैट्स इट. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन स्टेट से बी को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं. देखो जीरो से बी को पकड़ के हम कहीं भी नहीं जा सकते, वन से बी को पकड़ के हम कहीं भी नहीं जा सकते, टू से, यस देखो टू से बी को पकड़ के हम फोर पे जा सकते हैं. तो जहां पे भी हम जा सकते हैं वो स्टेट यहाँ पे लिखा जाएगा. उसके बाद सेवन, सेवन से बी को पकड़ के हम एट पे जा सकते हैं, इसलिए एट. इन स्टेट से सी को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं, जीरो से कहीं पे भी नहीं जा सकते, वन से कहीं पे भी नहीं जा सकते, टू से कहीं पे भी नहीं जा सकते, थ्री से, यस थ्री से सी को पकड़ के फाइव पे जाया जा सकता है, इसलिए फाइव. सेवन से कहीं पे भी नहीं जा सकते, राइट. अब यहाँ पे देखो जितने भी ऐसे स्टेट्स यहाँ पे है, जो स्टेट्स यहाँ पे नहीं है, या तो स्टेट्स या तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स, वो सारे के सारे स्टेट्स या वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स हम यहाँ पे लिखेंगे. तो बेसिकली 4, 8 यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 4, 8 लिखा जाएगा. उसके बाद 5 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 5 भी लिखा जाएगा. अब नेक्स्ट 4, 8, 4, 8 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं. सबसे पहले 4 खुद लिख देंगे, सबसे पहले 4 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम 6 पे जा सकते हैं, इसलिए 6. 4 से 6, 6 से 7 जा सकते हैं, इसलिए 7. उसके बाद 6 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम 1 पे जा सकते हैं. उसके बाद 1 से 2 और 1 से 3 भी जा सकता है, राइट. इतना ही है. और उसके बाद 8, 8 को नहीं भूलना है. 8 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम कहीं पर भी नहीं जा सकते, बट 8 खुद यहाँ पे रहेगा, तो इसलिए 4, 6, 7, 1, 2, 3, 8. अब आगे बढ़ते हैं. इन स्टेट से बी को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं, तो 4, 4 से बी को पकड़ के हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, 6 से बी को पकड़ के ना, 7, यस 7 से बी को पकड़ के हम 8 पे जा सकते हैं, इसलिए 8. उसके बाद 1 नहीं, 2, यस 2 से बी को पकड़ के हम 4 पे जा सकते हैं, इसलिए 4. उसके बाद 3 नहीं, सी है यहाँ पे, बी नहीं है, हमें बी चाहिए. 8 ना, ये सी है, हमें बी चाहिए. उसके बाद इन स्टेट से सी को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं, 4 ना, 6 ना, 7 ना, 1 ना, 2 ना, 3, यस 3 से सी को पकड़ के हम 5 पे जा सकते हैं,
तो इसलिए 5 लिख दिया जाएगा। 8, 8 से सी को पकड़ के हम 9 पे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक नया कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स है जो कि यहाँ पे नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे 5,9 लिखेंगे बेबी। राइट, आगे बढ़ेंगे बेबी। 5, 5 से एप्सिलॉन को पकड़ के कहाँ पे जा सकते हैं? 5, 5, 5, 5 से एप्सिलॉन को पकड़ के 6 पे जा सकते हैं, इसलिए 6। 5 खुद ब खुद भी आएगा। उसके बाद 5 से एप्सिलॉन को पकड़ के 6 पे जा सकते हैं, 6 से 7 पे जा सकते हैं, एप्सिलॉन को पकड़ के 7 से कहीं पे भी नहीं जा सकता, बट 6 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम 1 पे जा सकते हैं। जब 1 आता है तो 2 और 3 उसके साथ फ्री में आ जाता है, एंड उसके बाद और क्या है? और कुछ भी नहीं है। तो 6, 5, 7, 1, 2, 3 इतना ही है। आगे बढ़ते हैं, इन स्टेट से बी को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं? 6, 6, 6 से बी को पकड़ के कहीं पे भी नहीं जा सकते। 5, 5 से बी को पकड़ के ना। 7, 7 से यस, 7 से बी को पकड़ के हम 8 पे जा सकते हैं, इसलिए 8। 1, 1 से बी को पकड़ के नहीं जा सकते कहीं पे भी। 2 से यस, 2 से बी को पकड़ के हम 4 पे जा सकते हैं, इसलिए 4। 3, 3 से बी को पकड़ के नहीं जाया जा सकता कहीं पे भी। खत्म। इन स्टेट से सी को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं? सबसे पहले 6 ना, 5, 5 ना, 7 ना, 1 ना, 2 नहीं, 3 यस। 3 से सी को पकड़ के 5 पे जा सकते हैं, इसलिए 5। एंड वन मोर थिंग यहाँ पे, ओके नहीं कोई नहीं, नो वन मोर थिंग। आगे बढ़ते हैं, 5,9। इन स्टेट से एप्सिलॉन को पकड़ के कहाँ पे जा सकते हैं? सबसे पहले 5 खुद को लिखेंगे, मतलब 5 खुद आएगा आप। सबसे पहले तो 5 से एप्सिलॉन को पकड़ के 6 पे जाया जा सकता है, इसलिए 6। 6 से 7, 6 से 1, 1 से 2, लाइक 1 के साथ 2, 3 फ्री आता है। उसके बाद 6 से एप्सिलॉन को पकड़ के और कहीं पे नहीं जा सकते। उसके बाद 9 है, तो 9 सबसे पहले खुद आएगा, 9 से एप्सिलॉन को पकड़ के कहीं पे भी नहीं जा सकते, तो इसलिए यहाँ पे खत्म। 5, 6, 7, 1, 2, 3, 9 इतना ही है। अब इन स्टेट से बी को पकड़ के कहाँ पे जाया जा सकता है? 5 से ना, 6 से ना, 7 से यस, 7 से बी को पकड़ के 8 पे जाया जा सकता है, इसलिए 8। 1 ना, 2 यस, 2 से बी को पकड़ के 4 पे जाया जा सकता है, इसलिए 4। 3 ना, 9 नहीं, खत्म। इन स्टेट से सी को पकड़ के कहाँ पे जा सकता है? 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 यस, 3 से सी को पकड़ के हम 5 पे जा सकते हैं, इसलिए 5। एंड व्हाट अबाउट 9? यस, 9 से सी को पकड़ के हम 10 पे जा सकते हैं, इसलिए 10 बेबी। अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स है बेबी, ये बेबी नया स्टेट है, नया कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट है। ये एक ऐसा नया कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट है जो यहाँ पे नहीं है बेबी, इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट है ये हम यहाँ पे डाल देंगे बेबी। राइट, तो 5 एंड 10 यस। अब इन स्टेट से एप्सिलॉन को मदद से हम कहाँ पे जा सकते हैं? 5, 5 सबसे पहले खुद को लिखेंगे, उसके बाद 5 से एप्सिलॉन को पढ़ के कहाँ पे जा सकता है? 5 से एप्सिलॉन को पकड़ के 6 पे जाया जा सकता है, 6। उसके बाद 5 से और कहाँ भी जा सकता है? 5 से 6, 6 से 7 यस। उसके बाद 7 से कहीं नहीं, 6 से एप्सिलॉन को पकड़ के 1 पे जा सकता है, 1। उसके बाद 1 से 2, 1 के साथ 2, 3 फ्री आता है, 1 से 3 एप्सिलॉन को 3। उसके बाद क्या? उसके बाद 5, 6, 7, 1, 2, 3 उसके बाद 10 है। 10 से सबसे पहले 10 खुद आएगा, 10 से एप्सिलॉन को पकड़ के कहीं पर नहीं जा सकता, सिलेक्ट, बस खत्म। तो बेसिकली 5, 6, 7, 1, 2, 3, 10 इतना ही होगा। अब इन स्टेट से बी को पकड़ के कहाँ पे जा सकता है? 5, 5 से बी को पकड़ के कहीं पर जा नहीं जा सकता। 6 से बी को पकड़ के नहीं, नहीं नहीं नहीं, 7 से नहीं, यस यस यस, 7 से बी को पकड़ के 8 पे जा सकता है, यस, 8 लिखेंगे। उसके बाद 1, 1 से बी को पकड़ के नहीं जा सकते कहीं पे भी। 2, 2 से यस बेबी, 2 से बी को पकड़ के 4 पे जा सकता है, यस, 4 लिखेंगे। 3 से बी को पकड़ के कहीं पे भी नहीं जा सकते, 10, 10 से बी को पकड़ के नहीं जा सकते।
इन स्टेट से सी को पकड़ के कहाँ भी जा सकते हैं? फाइव, फाइव, फाइव से नहीं जा सकते, सिक्स नहीं जा सकते, सेवन नहीं जा सकते, वन नहीं जा सकते, टू नहीं जा सकते, थ्री यस जा सकते हैं, थ्री से सी को पकड़ के फाइव पे जा सकते हैं, इसलिए फाइव यस फाइव। थ्री टेन, टेन से सी को पकड़ के कहीं पे भी नहीं जा सकते, खत्म। यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है या कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट नहीं है जो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जितने भी स्टेट्स है या जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स है यहाँ पे कवर्ड है, इसलिए यहाँ पे अब तुम्हारा टेबल खत्म हो चुका है। तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? यस तुम्हें दिखाई दे रहा है, गुड 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 गुड। अब हम क्या करेंगे, इन स्टेट्स को नंबर करेंगे, इस स्टेट को ए नंबर देंगे, इन स्टेट्स का बेसिकली नामकरण करेंगे, इस स्टेट को हम बी देंगे, स्टेट को हम सी देंगे, स्टेट को हम डी देंगे और इस स्टेट को ई दिया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा स्टार्ट स्टेट था, यहाँ से हमारी राम कहानी शुरू हुई थी इसीलिए एरो, और यहाँ पे हमारी राम कहानी एंड हुई थी, ये हमारा फाइनल स्टेट है तो इसीलिए ई। देखो अभी ये फाइनल स्टेट है, टेन टेन कहाँ पे है? टेन यहाँ पे है, इसलिए हमारा ई जो है फाइनल स्टेट होगा, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर देंगे। अब ये हमारा डीएफए का टेबल बन चुका है, अब इसका लाइक जो ट्रांजिशन टेबल है, प्रॉपर ट्रांजिशन टेबल वो हमने नहीं बनाया है, वो हम बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, जितने भी स्टेट्स है वो यहाँ पे टाप देंगे, ए बी, ये हमारा स्टार्ट स्टेट है, बी सी डी एंड ई, ये हमारा फाइनल स्टेट इज द स्टार, यस यस। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनपुट दिया जाएगा, जो इनपुट है क्या इनपुट है, बी और सी, बी सी गालियां मत दो, बी सी यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अब ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, देखो सीखो समझो, सी कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल बी क्या है, 4.8, 4.8 इस स्टेट का नाम क्या है हमारा, बी, तो इसलिए बी। कैपिटल ए स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल सी 5 है, 5 का नाम क्या है, सी, तो इसलिए सी। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी 4.84 आता है, 8.4 का नाम क्या है, बी। अब तुम लोगों के यार ये तो 4.8 है भाई, उल्टा सीधा चलता है ब्रो, कोई मानना नहीं है, तो 4.8 का नाम है बी, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बी, बी कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल बी स्मॉल सी 5.9, 5.9 का नाम क्या है, कैपिटल डी या डी जो भी, तो डी। कैपिटल सी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल बी दैट इज 8.4, 8.4 का नाम क्या है, कैपिटल बी। कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी देखो, ओ गॉड, हाँ कैपिटल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी दैट इज 5, 5 का नाम क्या है, सी, इसलिए सी। कैपिटल डी स्मॉल बी, कैपिटल डी स्मॉल बी दैट इज 8.4, 8.4 का नाम क्या है, बी, इसलिए बी। कैपिटल डी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल सी दैट इज 5.10, 5.10 का नाम क्या है, कैपिटल ई, ई, इसलिए ई। कैपिटल ई स्मॉल बी, कैपिटल ई स्मॉल बी दैट इज 8.4, 8.4 का नाम क्या है, बी, इसलिए बी। कैपिटल ई स्मॉल सी, कैपिटल ई स्मॉल सी दैट इज 5, 5 का नाम क्या है, सी, इसलिए सी। तो बेसिकली अभी ये हमारा टेबल बन के तैयार है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये टेबल बन के रेडी है, अब इसका डायग्राम बनाएंगे, सिंपल एज दैट। डायग्राम कैसे बनाएंगे, जो स्टेट्स है यहाँ पे डाल दो, ए बी सी डी, ए बी सी जी एंड ई, यस ई को डबल गोला, क्यों, क्योंकि वो फाइनल स्टेट है। ए से बी पी, ए से बी पी, ए से सी सी, ए से सी सी, बी से बी बी, बी से बी बी, बी से डी सी, बी से डी सी, सी से बी बी, सी से बी बी, सी से सी सी, सी से सी सी,
डी से बी बी डी से बी डी से बी बी डी से ई सी डी से ई सी ई से बी बी ई से बी बी और ई से सी सी ई से सी क्यों राइट आगे बढ़ेंगे। अब यहां तक मतलब इस फ्लो के हिसाब से यहां तक हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो भी टेबल हमने बनाया है, ये जो भी डीएफए हमने बनाया है, इस डीएफए को हमें फाइनली मिनिमाइज करना है। अब अगर तुम्हें डीएफए को मिनिमाइज करना है तो उसके दो मेथड्स होते हैं, एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इम्पोर्टेंट स्टेट मेथड। मोस्टली एग्जाम में डायरेक्ट मेथड पूछा जाता है, सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड करेंगे और उसके बाद इम्पोर्टेंट स्टेट मेथड। डायरेक्ट मेथड कैसे करेंगे हम लोग डीएफए मिनिमाइजेशन के लिए, देखो सिंपल लॉजिक है। सबसे पहले बीसी लिख दो, राइट, पीसी का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बाद में। अब कैसे करेंगे, देखो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, डायरेक्ट मेथड ये कहता है कि जो भी ऐसे स्टेट्स है जो सेम इनपुट पर सेम ट्रांजिशंस दे रहे हैं उन स्टेट्स को मर्ज कर दो। ए देखो बीसी दे रहा है, सी बीसी दे रहा है, ई बीसी दे रहा है, ये तीन ऐसे स्टेट्स है ए सी और ई जो सेम इनपुट पर सेम ट्रांजिशंस दे रहे हैं, इसीलिए इन स्टेट्स को हम मर्ज करेंगे, इसीलिए ए और सी को हम मर्ज करेंगे। अब तुम लोग कहोगे यार ई भी तो दे रहा है ना यार, ई को मर्ज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेथड का और एक रूल है और वो रूल ये है कि फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट्स मर्ज नहीं हो सकते। फाइनल फाइनल स्टेट्स मर्ज हो सकते हैं और नॉन फाइनल स्टेट्स मर्ज हो सकते हैं, बट फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट्स मर्ज नहीं हो सकते। अब यहाँ पे ये जो ए और सी है वो नॉन फाइनल स्टेट है और ये जो ई है वो फाइनल स्टेट है, इसलिए ये जो ई स्टेट है वो इन लोगों के साथ मर्ज नहीं हो सकता, बट ए और सी क्योंकि ये दोनों नॉन फाइनल स्टेट्स है इसलिए ये एक दूसरे के साथ मर्ज हो सकते हैं, इसलिए इन दोनों को हम मर्ज करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए कॉमा सी और दोनों क्या दे रहा है बी सी बी सी। ओके आगे बढ़ते हैं। बी मतलब बाकी की चीजें वैसे की वैसी, बी क्या दे रहा है बी डी, बी डी मत फूका करो ठीक है। उसके बाद डी, डी क्या दे रहा है बी ई यस। उसके बाद ई यस, ई क्या दे रहा है बी सी। ओहो ठीक है, तो अभी ये तुम्हारा टेबल बन के तैयार। अब इसका भी हमें ट्राइग्राम बनाना पड़ेगा ना यार, तो उसके लिए मुझे रफ करना पड़ेगा ना यार, तो अब मैं रफ करूंगा। तो अभी डायग्राम बनाते हैं, क्या क्या स्टेट्स है ए सी ए कॉमा सी, उसके बाद ये हमारा स्टार्ट, उसके बाद बी टी बी डी और ई, ई पे दो गोले क्योंकि हमारा फाइनल स्टेट है। तो अभी ए सी पे बी बी ए सी पे बी बी ए सी पे सी सी ए सी पे सी सी, उसके बाद बी पे बी 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 पे बी बी, उसके बाद बी पे डी सी बी पे डी सी डी पे बी बी डी पे बी बी डी पे बी बी, उसके बाद डी पे ई सी डी पे ई सी डी पे ई सी ई पे बी बी ई पे बी बी ई पे सी सी ई पे सी सी ई पे सी सी यस बन गया डायग्राम। अभी ये हमने क्या किया, ये हमने डीएफए मिनिमाइजेशन किया पर ये डायरेक्ट मेथड से किया। अभी ये डायरेक्ट मेथड से जो पूरा पूरा प्रॉब्लम है वो खत्म हो चुका है ठीक है, बट अभी हमें अगला मेथड दिख रहा है, मतलब डीएफए मिनिमाइजेशन इम्पोर्टेंट स्टेट मेथड से कैसे करते हैं वो हमें देखना है। तो अभी सबसे पहले तो यहाँ पे लिखो डीएफए मिनिमाइजेशन इम्पोर्टेंट स्टेट मेथड। अब ये जो मतलब क्वेश्चन में अगर मतलब क्वेश्चन अगर ये दिया गया है यूजिंग इम्पोर्टेंट स्टेट मेथड ऐसे बोला गया है, तो ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो यहाँ तक सेम होगा ठीक है, इसके बाद से ऐसे। अगर डायरेक्ट मेथड बोला गया है तो जो हमने सॉल्व किया यहाँ तक, अगर इम्पोर्टेंट स्टेट मेथड बोला गया है तो यहाँ तक सेम, उसके बाद आगे अब जो मैं बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट स्टेट मेथड ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंट स्टेट मेथड क्या बोलता है,
इम्पोर्टेंट स्टेट मेथड सबसे पहले ये बोलता है कि पहले तो ये फाइंड आउट करो कि कौन से स्टेट्स इम्पोर्टेंट है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टेट्स इम्पोर्टेंट है? तो अभी इसके लिए जिन स्टेट्स से एब्सोल्यूट ट्रांजिशन निकल रहा है वो स्टेट्स इम्पोर्टेंट नहीं है, जिन स्टेट से एक भी एब्सोल्यूट ट्रांजिशन नहीं निकल रहा वो स्टेट्स इम्पोर्टेंट है। देखो, जीरो से एब्सोल्यूट ट्रांजिशन निकल रहा है इम्पोर्टेंट नहीं है, वन से एब्सोल्यूट ट्रांजिशन निकल रहा है इम्पोर्टेंट नहीं है, वन से उसके बाद टू से एब्सोल्यूट ट्रांजिशन निकल रहा है क्या? नहीं, टू से एक भी एब्सोल्यूट ट्रांजिशन नहीं निकल रहा है, इसीलिए टू हमारा इम्पोर्टेंट स्टेट है। थ्री से एब्सोल्यूट ट्रांजिशन निकल रहा है क्या? नहीं, थ्री से एक भी एब्सोल्यूट ट्रांजिशन नहीं निकल रहा, इसीलिए जो थ्री है वो हमारा इम्पोर्टेंट स्टेट है। थ्री टू, उसके बाद फोर, फोर से एब्सोल्यूट ट्रांजिशन निकल रहा है इम्पोर्टेंट नहीं है, फाइव से एब्सोल्यूट ट्रांजिशन निकल रहा है इम्पोर्टेंट नहीं है, सिक्स से एब्सोल्यूट ट्रांजिशन निकल रहा है इम्पोर्टेंट नहीं है, सेवन से एब्सोल्यूट ट्रांजिशन नहीं निकल रहा एक भी, इसलिए सेवन इज इम्पोर्टेंट, एट से भी एब्सोल्यूट ट्रांजिशन एक भी नहीं निकल रहा है इसलिए एट इज इम्पोर्टेंट, नाइन से भी एक भी एब्सोल्यूट ट्रांजिशन नहीं निकल रहा है इसलिए नाइन इज इम्पोर्टेंट, एंड टेन से भी एक भी एब्सोल्यूट ट्रांजिशन नहीं निकल रहा है इसलिए टेन इज इम्पोर्टेंट। तो बेसिकली कौन से इम्पोर्टेंट स्टेट्स है? टू थ्री सेवन एट नाइन टेन इम्पोर्टेंट स्टेट, टू थ्री सेवन एट नाइन और टेन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जितने भी स्टेट्स हैं ये स्टेट्स हमें यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, टू थ्री सेवन एट नाइन टेन, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो, टू थ्री सेवन एट नाइन टेन नहीं है, ठीक है, टू थ्री सेवन एट नाइन टेन नहीं है, ठीक है, टू थ्री सेवन एट नहीं है, नाइन नहीं है, टेन नहीं है, उसके बाद टू थ्री सेवन एट नहीं है, नाइन है, टेन नहीं है, उसके बाद टू थ्री सेवन एट नहीं है, नाइन नहीं है, टेन, इम्पोर्टेंट स्टेट्स मार्क कर दिए। अब क्या करना है, जो भी स्टेट्स मैच कर रहे हैं उनको बस कंबाइन करना है, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो, टू थ्री सेवन और सी का टू थ्री और सेवन मैच कर रहा है, इसीलिए ए और सी को हम कंबाइन करेंगे, बाकी कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो, सेवन टू थ्री एट कहीं है क्या? सेवन टू थ्री एट वैसे का वैसा नहीं है। यहाँ पे देखो, सेवन टू थ्री नाइन कहीं है, बस है क्या? सेवन टू थ्री नाइन नहीं है। सेवन टू थ्री टेन कहीं है क्या? सेवन टू थ्री टेन नहीं है। बट टू थ्री सेवन और टू थ्री सेवन यहाँ पे है, तो ये टू थ्री सेवन किसका है? ए का है, और ये टू थ्री सेवन किसका है? सी का है, तो ए और सी को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले तो टेबल बनाओ, क्यू समेशन इधर बी सी, ए और सी को कंबाइन किया जाएगा। ए और सी को देखो कंबाइन करेंगे तो बी सी, बी सी लाइक वही दे रहा है, तो यहाँ पे बी और सी, उसके बाद क्या है बाकी की चीज़ें वैसे की वैसी, बी बी डी, बी डी मत पिया करो, उसके बाद सी ऑलरेडी हो चुका है, डी डी का क्या सीन है? डी ई सॉरी बी डी बी, उसके बाद ई, तो ई का क्या है? बी सी, ठीक है, सी। अब ये हो गया, अब ध्यान से देखो क्या ये टेबल और ये टेबल मैच कर रहा है? यस मैच कर रहा है ब्रो, मतलब दोनों मेथड सेम है, दोनों मेथड्स तुम्हें राइट आउटपुट दे रहा है। बस अभी इसका ट्रांजिशन डायग्राम बना लो, ए सी ये स्टार्ट स्टेट, उसके बाद बी डी ई, बी डी और ई पे फाइनल स्टेट, क्या है? ए सी पे बी, बी ए सी पे बी, बी ए सी पे सी, सी ए सी पे सी, सी बी पे बी, बी बी पे बी, बी बी पे डी, सी बी पे डी, सी डी पे बी, बी डी पे बी, बी डी पे ई, सी डी पे ई, सी ई पे बी, बी ई पे बी, बी और ई पे सी, सी और ई पे
सी इसको, और अगर तुम इसको कंपेयर करोगे तो सेम है। हाँ मैंने अभी स्क्रिप्ट ऐसे लिखे तो तुम लोग को थोड़ा अलग दिखाई दे रहा होगा, बट अगर तुमने ट्रांजिशंस चेक किए तो सारे के सारे ट्रांजिशंस सेम ही है। ठीक है, बेसिकली ये सीन है, ये डायरेक्ट मेथड था, ये इंपॉर्टेंट स्टेट मेथड था। बताओ तुम्हें कौन सा मेथड तुम्हारा फेवरेट है कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं, थैंक यू सो मच।